वहीं बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल पर हमला बोला और हार के डर से फैसला लेने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर दिल्ली की जनता को गुमराह करने में लगे हैं। अब जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सातों सीट हार गई है और दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं, वो अब फिर लोक लुभावनी प्रलोभन देकर सोचते हैं कि दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा सकता है। फिर से झूठे वादे करने शुरू करेंगे। चुनाव आया तो ही आप महिलाओं को बस में और यहाँ पे छूट देंगे किराए में, और फिर क्या हुआ? आपने तो कहा ही था कि पानी फ्री देंगे, तो दिल्ली को पानी मिल गई। गटर का पानी पीने को लोग मजबूर है। आज भी टैंकर के बाट में चार चार पांच पांच लोग रोज रास्ता जो रहे हैं। हमने निर्णय लिया है, हम अगले 5 साल के अंदर नल से जल देने की और स्वच्छ जल देने की व्यवस्था करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का संकल्प है। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके के एक स्कूल में बजरंग दल पर समर कैंप के बहाने बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा। बजरंग दल ने 25 जून से लेकर 1 मई तक एक स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया था, लेकिन इस कैंप से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनके आधार पर यह आरोप लगा कि बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई उन तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि बच्चे कई राइफल्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं, जिसके बाद एक एनजीओ ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। हमने फोटोग्राफ लिया गेट का, और वो लेने के बाद कंफर्म होने के बाद कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप चल रही है, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गए। बताया गया कि जिस स्कूल में इस समर कैंप का आयोजन किया गया था वो बीजेपी के एक विधायक का स्कूल है। ये स्कूल जो है, बताया जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय बीजेपी विधायक है नरेंद्र मेहता का है। हालांकि ये मुद्दा सामने आने के बाद बीजेपी विधायक ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। क्या बकवास बातें, ये सारी चीजें मनगढ़ंत कहानियां, वो स्कूल है। वहीं बजरंग दल ने भी अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया। ये सभी झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया नहीं है। बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगने और शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को शर्तों के साथ विदेश जाने की इजाजत मिल गई। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने पर लगी रोक हटा दी और उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी। हालांकि अदालत ने इलाज के लिए रॉबर्ट वाड्रा को लंदन जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन वो 6 हफ्तों के लिए अमेरिका या हॉलैंड जा सकते हैं। यही नहीं, कोर्ट ने वाड्रा से इलाज कराने की जगह का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। इसके अलावा उन्हें विदेश जाने से पहले 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी देनी होगी। साथ ही देश लौटने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट को जानकारी देनी होगी। हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा ने आंत में ट्यूमर की जानकारी देते हुए इलाज के लिए कोर्ट से लंदन जाने की इजाजत मांगी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने भीषण गर्मी में पक्षियों को बचाने के लिए लोगों को मिट्टी के बर्तन बांटे। इसके साथ ही लोगों से ये अपील भी की गई कि इन बर्तनों में पानी भरकर मकान की छतों पर रखें, जिससे पक्षियों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिले और दाना पानी देकर उनकी जान बचाई जा सके। दाना पानी दे। इस बीच सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने पक्षियों को बचाने के लिए नारेबाजी भी की। बचाएं। साथ ही सड़क से गुजर रहे लोगों को मिट्टी के बर्तन बांटने के साथ उसके इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी गई। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने इस बीच पक्षियों को गर्मी से बचाने की अपील भी की। लोगों से निवेदन किया है इसमें पानी भर कर अपने घरों में रखे छतों पर, ताकि पंछी पिएंगे बच जाएंगे। बताया गया कि इस बीच प्रयागराज में गर्मी का पारा 49 डिग्री के पार पहुंच गया। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद राजनाथ सिंह आज सियाचिन पहुंचे। राजनाथ सिंह ने सियाचिन में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रक्षा मंत्री ने सियाचिन में तैनात जवानों से मुलाकात की और उनसे सियाचिन में तैनाती के दौरान आने वाली मुश्किलों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह का ये पहला सियाचिन दौरा है। बिहार के जमुई के सरकारी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से नवजात को वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिससे उसकी मौत हो गई। नवजात की मौत के बाद परिवार की महिलाएं शव के पास बिलक बिलक कर रोने लगी, जबकि एक महिला बच्चे की मौत के सदमे से जमीन पर गिर पड़ी, जिसे उसके परिवार के लोगों ने संभाला। बच्चे के पिता ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। डॉक्टर यहाँ के बोल रहे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा होता तो क्या सर उसको सुई लगती। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन इनके परिजनों ने कहा कि ऑक्सीजन लगा दीजिए, और इस दरमियान वहाँ पर हंगामा होने लग गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोबारा NSA बनाए गए हैं। साथ ही अजीत डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। आज सरकार ने इस पर मोहर लगा दी। डोभाल को ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को देखते हुए दी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की योजना का श्रेय डोभाल को दिया जाता है। फरवरी में CRPF जवानों पर हुए पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। मोदी सरकार ने अजीत डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया। दूसरी बार कार्यकाल संभालने वाली मोदी सरकार में अजीत डोभाल फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला लिया गया। दिल्ली की इंद्रपुरी थाना पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट की कई वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। चीन में पहाड़ों के बीच बनाए गए एक बास्केटबॉल कोर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 6 हफ्ते के लिए हॉलैंड और अमेरिका जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उन्हें लंदन जाने से मना कर दिया। दिल्ली के जनकपुरी में एक 5-स्टार होटल में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने कुछ ही देर में काबू पा लिया। चीन में एक आदमी का एक हाथ से कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला ने एक आदमी की डंडे से पिटाई कर दी। आरोप है कि गर्ल्स हॉस्टल के कर्मचारी ने महिला से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद महिला ने उस कर्मचारी को पकड़ लिया और डंडे से पीटते हुए थाने ले गई, जहां पुलिस के सामने भी महिला ने कर्मचारी को जमकर पीटा। इस दौरान आरोपी पुलिस वालों से बचाने की गुहार लगाता रहा। इस बीच एक पुलिस वाले ने महिला के हाथ से डंडा छीन लिया और आरोपी की पिटाई की वजह पूछी, लेकिन महिला पुलिस पर आदमी को गिरफ्तार करने का दबाव बनाने लगी। थाने के अंदर काफी देर तक हंगामा चलने के बाद पुलिस ने महिला को एक कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन महिला वहां सवाल पूछने पर पुलिस कर्मियों पर ही भड़क गई। हालांकि महिला ने शांत होने के बाद गर्ल्स हॉस्टल की कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद हॉस्टल के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अलग अंदाज में स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया। वर्ल्ड बाइसिकल डे का मौका भी था, लिहाजा डॉक्टर हर्षवर्धन ने साइकिल से सवारी करने का फैसला किया और अपने घर से निकलकर अपने दफ्तर तक वो साइकिल चलाकर पहुंचे, जहां उनके मंत्रालय के अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देने की कोशिश की। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और साइकिल से यहां पर पहुंचे हैं, एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि साइकिल चलाकर अपना आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। वहीं उनका इरादा आगे भी साइकिल से ही अपने दफ्तर पहुंचने का है। कोशिश करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय तक साइकिल पर आऊं जाऊं। डॉक्टर हर्षवर्धन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में भी स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, हालांकि 6 महीने बाद ही उनका मंत्रालय बदल दिया गया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग गंगरार के सुदरी गांव में मौजूद गत्ता फैक्ट्री में लगी। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव देने वाली नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर घमासान तेज हो गया। कांग्रेस और दक्षिण भारत की कई राजनीतिक पार्टियों ने स्कूलों में 3 भाषाओं का फॉर्मूला लागू करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के लोगों पर जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के दिकारा, दिकारा। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पोस्टर के जरिए कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को सबसे अहम बताने की भी कोशिश की। We have our own culture and we have everything, so we don't need their culture. कर्नाटक के कलबुर्गी में भी कन्नड़ भाषा का समर्थन करने वाली एक संस्था के लोग सड़क पर उतरे और इस ड्राफ्ट की कॉपी जलाकर 3 भाषाओं के फॉर्मूले का विरोध किया। नई शिक्षा नीति पर ये रिपोर्ट मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद सार्वजनिक की गई। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, देश के कई राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कस्तूरी रंगन समिति ने इस ड्राफ्ट में 3 भाषाओं के फॉर्मूले को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया। इस समिति ने देश के राज्यों को हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में बांट दिया और सुझाव दिया कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी भी पढ़ाई जानी चाहिए। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 8 साल के बच्चे कोई भी भाषा जल्द सीखते हैं और इसीलिए 3 भाषाओं का फॉर्मूला उनके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही बच्चे 6वीं कक्षा में मर्जी के मुताबिक अपनी भाषा बदल सकते हैं।
लेकिन नई शिक्षा नीति का ये प्रस्ताव कई पार्टियों के गले नहीं उतरा। कर्नाटक सरकार ने इस प्रस्ताव को वहां के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करार दिया। इतना ही नहीं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने तो इसे उनके राज्य के साथ केंद्र सरकार की क्रूरता करार दिया। मंडप इंडिया शुड ओपन अप डायलॉग विद द स्टेट्स एंड टेक देयर ओपिनियन। तमिलनाडु में भी इसका विरोध हुआ और डीएमके ने कांग्रेस और जेडीएस की हां में हां मिलाई। व्हेन दे वर इन्वॉल्वड इन सच थिंग्स दे शुड नो द सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल। हालांकि केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य पर जबरन हिंदी पढ़ाने का दबाव बनाने की बात से इनकार किया। दैट द रीजनल एस्पिरेशंस विल बी टेकन नोट ऑफ एंड देयर विल बी नो इंपोजिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ दैट नेचर। एंड भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 असम से जोरहाट से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया। विमान ने दोपहर 12:25 पर उड़ान भरी थी, लेकिन 1 बजे के बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। विमान को अरुणाचल के मचूका में उतरना था। इस विमान में 13 लोग सवार हैं, जिसमें 8 क्रू मेंबर और 5 दूसरे लोग हैं। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया की बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। केंद्र में सरकार की सहयोगी शिवसेना ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने आंकड़ों के आधार पर बीते 5 साल में बेरोजगारी बढ़ने का दावा किया और देश की अर्थव्यवस्था को संकट में बताते हुए मोदी सरकार को घेरा। साथ ही हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे पर भी सामना में सरकार पर निशाना साधा गया। शिवसेना के हमले पर बीजेपी ने पुरानी योजनाओं का जिक्र कर बचाव करने की कोशिश की। पिछले सरकार ने भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी को एड्रेस करना शुरू किया है और नई सरकार उसको आगे बढ़ावा देगी। इस मुद्दे पर शिवसेना का साथ देते हुए कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा। अब इलेक्शन हो गए, अब लोगों से कोई लेना देना नहीं है, अब सब सच बात सामने आई है। वहीं सामना में छपे लेख पर एनसीपी ने शिवसेना को ही आड़े हाथ लिया। वो तो एनडीए में मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते और कभी मोदी की टांग खींचने में नहीं पीछे रहते। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक आदमी को एक मरीज की पिटाई करते हुए देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला आदमी डॉक्टर है। वीडियो सवाई मानसिंह अस्पताल का बताया जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ना तो इस वीडियो की पुष्टि की है और ना ही इसका खंडन किया है। पश्चिम बंगाल में सियासी रस्साकशी के बीच ममता बनर्जी के बीजेपी दफ्तर पर कब्जा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना 30 मई को हुई, जिस पर टीएमसी ने सफाई दी कि ये दफ्तर उसी का था, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के इस दावे से इनकार कर दिया। बवाल बढ़ने की वजह ये थी कि सीएम ममता बनर्जी खुद इस दफ्तर पर कब्जे के लिए वहां पहुंच गई। उनकी मौजूदगी में ही इस दफ्तर का ताला तोड़ा गया। दफ्तर पर टीएमसी के झंडे का रंग पुता था। टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर भी भगवा रंग चढ़ाया हुआ था। ममता बनर्जी ने दोबारा से चुनाव चिन्ह को शक्ल देने के लिए रंग का डिब्बा और ब्रश उठा लिया। इसके बाद उन्होंने खुद टीएमसी का चुनाव चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। काले रंग से उन्होंने फूल की पंखुड़ियां बनाई। कुछ ही देर में दफ्तर पर टीएमसी का चुनाव चिन्ह उभर आया। पार्टी दफ्तर पर कब्जे के दौरान बीजेपी के झंडे हटाने का काम भी किया गया और आरोप है अंदर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। जिस दफ्तर पर सीएम ममता बनर्जी ने कब्जा किया वो बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय का बताया गया, जो कुछ ही समय पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। दावा है कि पार्टी बदलने के बाद ही उन्होंने दफ्तर को बीजेपी का रंग दे दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने दफ्तर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भगवा रंग से पुती दीवारों पर भी पार्टी का नाम लिख दिया। भगवा रंग से पुती इन दीवारों पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान बना था। टीएमसी ने दावा किया कि ये दफ्तर उन्हीं का था। ये पूरी घटना 30 मई को हुई, जिसके बाद उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव और बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद करारी हार झेलने वाली बीएसपी अध्यक्ष मायावती गठबंधन से खुश नजर नहीं आई। आज दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने साफ कह दिया कि गठबंधन के बावजूद एसपी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बैठक के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बीएसपी उत्तर प्रदेश में होने वाले 11 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ सकती है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी ने कहर बरपा रखा है। लू और गर्म हवाओं के थपेड़ों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गर्मी के प्रचंड प्रकोप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राजस्थान में भीषण गर्मी से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जोधपुर में गर्मी से एक कांस्टेबल और एक महिला की जान चली गई।
चित्तौड़गढ़ में एक मौत की खबर है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान के बूंदी में गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। यहां का तापमान 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी ने लोगों का सड़क पर निकलना मुहाल कर दिया है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसका अब बांध के निकलना पड़ रहा है। रोजाना ड्यूटी अप डाउन करने वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी भी आप देख सकते हो कि बहुत गर्म है, पीने का पानी भी ठंडा नहीं मिलता। गर्मी इतनी पड़ रही है कि बचत करनी पड़ रही है जरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि लड़का गांव में एक लड़की से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के बाद लोगों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। वीडियो में लड़के के हाथ पैर बंधे दिखे और उससे कुछ लोग पूछताछ करते दिखाई दिए। तभी वहां मौजूद कुछ लोग उस पर लात बरसाने लगे। इस दौरान पिटाई खा रहा लड़का चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हाथ जोड़कर लोगों से मारपीट नहीं करने की गुहार भी लगाता रहा। यही नहीं, एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग लड़के को डंडे भी मारते नजर आए, जबकि एक आदमी पीछे से उसे लात मारता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर लड़के से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया। वीडियो मिलने के बाद सारे मामलों को देखेंगे और इस पर जो समुचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। हरियाणा के अंबाला में दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया कि बीते कई दिनों से दोनों गुटों में अवैध शराब के कारोबार को लेकर झगड़ा चल रहा था और इसी के चलते दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि मौके पर पहुंची पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। दरअसल ये पूरा मामला ग्वालमंडी इलाके का है, जहां अवैध शराब के कारोबारी एक दूसरे के सामने आ गए। इस बीच छतों पर चढ़े लोग पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। इस झड़प का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां भारी संख्या में पत्थर जमा हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया। स्थिति नियंत्रण में, जिन्होंने ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और संगीन से संगीन जुर्म में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। IIT दिल्ली से पढ़ाई करने वाले तीन लड़कों ने प्रदूषण से बचाने वाले एक फिल्टर का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस फिल्टर को नैनो AC क्लीन फिल्टर नाम दिया है, जिसकी मदद से लोग अपने मकानों में फैले प्रदूषण से छुटकारा पा सकेंगे। दावा किया गया कि ये फिल्टर प्रदूषण को एक घंटे में 90% तक कम कर देगा। ये प्रोडक्ट PM2.5 पार्टिकल्स, PM10 पार्टिकल्स, ये उन सभी को क्लीन कर सकेगा। इसे बनाने वाले लड़कों ने फिल्टर का डेमो दिखाया। इसे AC के फिल्टर पर लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फिल्टर को लोग जल्द ही ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। प्रदूषण दूर करने वाले एक फिल्टर की कीमत 400 रुपए से भी कम है।